We had proved that refractive index of one medium with respect to the other is reciprocal of refractive index of second medium with respect to the first. तो ये कर लिया था हमने. अब हमने करना है कंपाउंड स्लैब रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब. पहले करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब. ठीक है, तो पहले डायग्राम बनाते हैं. कैसे बनाते हैं? देखो, टेंथ में बनाया हुआ है, कंप्लीट कर रही. दिस इज ग्लास, दिस इज एयर, दिस इज एयर. ठीक है, टेक द इंसिडेंट रे, देन इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. अगेन ड्रॉ नॉर्मल एयर, और ये जो आपकी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है उसके पैरेलल इमर्जेंट रे जाएगी. ठीक है, पहले रेयरर टू डेंसर आ रही है रे, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. नाउ अगेन इट इज गोइंग फ्रॉम ग्लास टू एयर, डेंसर टू रेयरर, सो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल इन सच अ वे दैट इट इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे. सो दिस इज एंगल ऑफ इमर्जेंस, दिस इज योर इमर्जेंट रे एंड दिस इज एंगल ऑफ इमर्जेंस. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा? ये अल्टरनेट एंगल होगा, ये भी आर होगा. ओके फाइन. इज दैट क्लियर? डायग्राम शोइंग रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब. नेक्स्ट आफ्टर दैट लेटरल डिस्प्लेसमेंट, इसमें कौन सी है? पहले हम प्रूव करेंगे मैथमेटिकली दैट इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे. ठीक है, लेट अस प्रूव दिस दैट इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, देन वी विल डिफाइन लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिराइवेड्स एक्सप्रेशन. ठीक है, चलिए तो अप्लाई स्नेल्स लॉ. कितनी बार रे बेंड हो रही है? दो बार हो रही है, एक बार यहां बेंड हो रही है, एक बार यहां बेंड हो रही है. तो लेट अस अप्लाई स्नेल्स लॉ फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन. पहले फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए लगाते हैं, फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन. चलिए, हाउ कैन आई राइट म्यू जी ए? हर्षिमर बताओ, हाउ कैन वी राइट म्यू जी ए? यहां पे एंगल के स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ, यस, सो दैट इज साइन आई अपॉन साइन आर. दिस इज इक्वेशन नंबर वन. Now apply Snell's law for second refraction, second bending. Now how I will write mu a g. Gitesh, a mu g कैसे लिखेंगे? इस refraction के लिए refractive index of air with respect to glass. A mu g यहां से इधर जा रही है ना, तो मैंने इसका लिखा a का with respect to g. तो बताओ क्या आएगा? इसका लिख रहे हो तो एंगल इसका आएगा पहले, साइन आर ओवर साइन ई. सो दिस विल बी साइन आर अपॉन साइन ई. दिस इज इक्वेशन नंबर टू. कंपेयर वन एंड टू, कंपेयर नहीं करो, आप व्हीकल वाला फॉर्मूला लगा देते हैं. वी नो दैट म्यू जी ए इज वन ओवर ए म्यू जी, सो पुट द वैल्यूज फ्रॉम वन एंड टू हियर. साइन आई अपॉन साइन आर वन ओवर साइन आर ओवर साइन ई. इसको रिवर्स कर दो, फ्लिप कर दो ऊपर. साइन आई इज साइन ई, आई इज ई. सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस. दैट मीन्स इंसिडेंट रे इमर्जेंट रे आर पैरेलल टू ईच अदर, वी हैव प्रूव्ड. सो मैथमेटिकली वी हैव प्रूव्ड. जी म्यू refractive index of glass with respect to.
मतलब ऑलमोस्ट इक्वल टू, ऑलमोस्ट इक्वल. अगर साइंस इक्वल है तो एंगल्स भी इक्वल ही होंगे. चलिए नेक्स्ट है लेटरल डिस्प्लेसमेंट. इसी आर्टिकल में अगर पैरेलल है तो उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट. इफ द रेज आर पैरेलल दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इमर्जेंट रे एंड डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, बिकॉज दिस इज नॉट एक्चुअली इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे यहाँ खत्म हो गई, ये उसकी डायरेक्शन है डॉटेड. सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इमर्जेंट रे एंड डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, दिस इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट. दिस मच, ठीक है. इसकी एक एक्टिविटी भी करवानी है हमने आपको प्रैक्टिकल में. तो हेडिंग दे दीजिए लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ग्लास स्लैब. स्लैब में हमेशा होगा. हाँ, लेटरल डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन लिखी है. इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इमर्जेंट रे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इमर्जेंट रे एंड डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, एंड डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे. ठीक है. अब अगर ये आई है, दिस इज आर, हाउ मच इज दिस एंगल, हाउ मच इज दिस एंगल इक्वल टू, ये पूरा वर्टिकली ऑपोजिट आई है उसमें से ये आ रहा है, तो ये आई माइनस आर हो गया. दिस इज आई माइनस आर एंगल, इसको परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो. ठीक है, तो लेट्स, नहीं इसी में कर दो. लेट्स नेम द पॉइंट ए बी सी डी ई, कोई भी नेम दे दो, एफ. नेम द पॉइंट्स. लेट्स टेक ट्राइंगल ECB, ये वाला ट्राइंगल. लेट अस टेक अप दिस ट्राइंगल ECB, राइट एंगल ट्राइंगल है. कॉस आर, हाउ मच विल बी कॉस आर इफ थिकनेस ऑफ द स्लैब इज टी. थिकनेस ऑफ द स्लैब इज टी, तो कॉस आर क्या होगा, ये होगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज. दिस विल बी BE ओवर BC, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बीई अपॉन बीसी. तो यहां से बीई आपका आ जाएगा बीसी कॉज आर, यहां से बीई आ जाएगा बीसी कॉज आर. एंड व्हाट इज बीसी, थिकनेस ऑफ द स्लैब. दिस इज इक्वेशन नंबर वन. हाँ, तो बीई को हमने पुट किया, बी सी आ गया आपका टी ओवर कॉज आर. ठीक है, क्योंकि थिकनेस है बीई. नाउ टेक द अदर ट्राइंगल बी सी डी. नाउ टेक दिस अनदर राइट एंगल ट्राइंगल बी सी डी, और उसमें लो साइन ऑफ आई माइनस आर. इन ट्राइंगल बी सी डी व्हाट इज साइन ऑफ आई माइनस आर, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, दैट इज सी डी ओवर बी सी. क्योंकि हमने कैलकुलेट क्या करना है, सी डी, लेटरल डिस्प्लेसमेंट. लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज सी डी, ये निकाल रहे हैं. तो सी डी वुड बी बी सी साइन आई माइनस आर. पुट द वैल्यू ऑफ बी सी दैट वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, सो आर लेटरल डिस्प्लेसमेंट विल बिकम T over cos R sin I minus R. So this is the expression for lateral displacement. हाँ जी, कर लो.
हाँ कर लो, मतलब मेन फैक्टर वैसे यहाँ पे हमने स्ट्रेस करना है कि मेन फैक्टर ऑन विच लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ग्लास स्लैब डिपेंड्स इज थिकनेस ऑफ द स्लैब, मोर इज द थिकनेस ऑफ द स्लैब मोर विल बी द लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो इसी की हमने एक्टिविटी करवानी है आपको, एक ही स्लैब को हम थ्री डिफरेंट वेज में रखेंगे सो दैट थिकनेस इज डिफरेंट एंड वी विल गेट डिफरेंट लेटरल डिस्प्लेसमेंट, विल बी गेटिंग different lateral displacements. तो यहां पे main factor ये है और plus angle of incidence, angle of refraction पे भी depend करती है lateral displacement of glass. ठीक है, लिख लिया ये? ये डी दोनों पैरेलल रेज में जो डिस्टेंस है आप ऐसे भी कह सकते, दिस इज आल्सो लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सो नेक्स्ट इज रिफ्रैक्शन थ्रू अ कंपाउंड स्लैब, ये थी ग्लास स्लैब, नेक्स्ट इज रिफ्रैक्शन थ्रू अ कंपाउंड स्लैब नो That is made up of different materials. ये तो एक ग्लास की बनी हुई थी ना ये वाली स्लैब, अब वो दो डिफरेंट मटीरियल्स की कंपोज्ड है, सपोज वाटर एंड ग्लास। तो लेट अस टेक अ ग्लास स्लैब नाउ, made up of two different layers, made up of two different material, water, glass, suppose. Either the air hai, either the air. So this slab is surrounded by a third medium which is common to both. So pehle ray ek bar bend hogi because water is denser than air. First angle of refraction is R1. So draw the first refraction first of all. Angle is R1. Now draw normal at this point again, and now it is entering still denser medium. So once more it will bend towards the normal more. So this angle of refraction is R2. Yeah, R2 hai. This angle is R2. ठीक है, अब फिर से normal draw कर दो. Now it will go from denser to rarer medium, it will bend away from the normal and again in such a way that it is parallel to the incident. So ye jo angle of emergence hai directly we will write it I, kyunki already hum prove kar chuke hain ki I equal to E hota hai, to hum usko E nahi likhenge, I hi likhenge. Yahan pe मेन जो इंसिडेंट रे थी ना उसके पैरेलल में, ये वाला एंगल हाँ हो सकता है वो एंगल सेम होता, पर वो एयर से ग्लास में वाटर में आ रहा था, ये आपका ग्लास से वाटर में जा रहा होता फिर डिफरेंट हो सकता, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट हो जाता क्योंकि आपका फिर ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर होता है, यहाँ पे वाटर का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास लग जाओ तो कुछ डिफरेंस है. डायग्राम क्लियर है, रे डायग्राम? नाउ हाउ मेनी टाइम्स द रे इज बेंडिंग? थ्री टाइम्स, वन रिफ्रैक्शन, टू रिफ्रैक्शन, थ्री, मतलब जितने इंटरफेसेस हैं ऑब्वियसली उतनी रिफ्रैक्शन है उतने टाइम्स हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे. सो अप्लाई स्नेल्स लॉ फॉर द फर्स्ट रिफ्रैक्शन नाउ, अप्लाई स्नेल्स लॉ from
मतलब फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन या फ्रॉम एयर टू वॉटर. सो यू विल राइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज हाउ मच साइन आई ओवर साइन आर वन. दिस इज इक्वेशन नंबर वन. ही अप्लाइड स्नेल्स लॉ एट फर्स्ट इंटरफेस. देखो ठीक है, ऐसे बनेगा वॉटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर साइन आई ओवर साइन आर वन. Now apply Snell's law from water to glass. Refractive index of glass with respect to water is sine R1 over sine R2. उस मीडियम में एंगल R1 है, दूसरे में R2 है. Now apply from glass to air again. So refractive index of air with respect to glass is sine R2 over sine I. This is your equation number 3. Tino equations check karo pehle. Theek hai? Multiply 1, 2 and 3. Left way, right way. Multiply 1, 2 and 3. मल्टीप्लाई करिए, बताइए क्या आपको. ये चला देना था जरा, है नहीं, ये चलाना जरा बंद कर दो. So multiply 1, 2 and 3. इधर कटकटा के वन आ जाएगा. तो ये सेंटर का यहीं पे रखो. ब्रिंग अदर टू टर्म्स इन द डिनोमिनेटर ऑन द अदर साइड. क्योंकि वी आर कंसर्न्ड विद the material of which the slab is made up. It is made up of two material, glass and water. So we want to find refractive index of glass with respect to water or water with respect to glass. So 1 upon now how can we write 1 over a mu g. G mu a, using that formula we derived yesterday. So this is your compound slab formula. The refractive index of glass with respect to water is ratio of refractive index of glass with respect to a third medium which is common to them over refractive index of water with respect to a third medium which is common to them. नहीं, ये तो compound slab, वो relative refractive index वाला formula है. ठीक है, so this is compound slab formula. This is compound slab formula. Full length. तो ये एक बॉक्स है जिसके अंदर हमने तीन डिवाइसेस रखे हैं. वन इज प्लेन मिरर स्ट्रिप, वो तो चलो रिफ्लेक्शन है ही नहीं, ये रहने देते हैं. स्लैब है और प्रिज्म. तो स्लैब और प्रिज्म में रिफ्रैक्शन होती है जो दैट आई कैन शो यू हियर. ये आपको प्रिज्म दिख रहा है इस साइड में, और इस साइड पे ये स्लैब है. यहाँ पर स्लैब दिख रही है अंदर. हाँ जी मयंक, इज इट विजिबल. मयंक, यस मैम. ओके, तो ये लेजर लाइट हम जब इस पे डालेंगे हमें इसका पाथ क्लियर हो जाएगा, अदरवाइज वो क्लियर नहीं होगा. ये धूप लाइट करके हम इसके अंदर जो मीडियम उसका डेंस कर देंगे, तो उसके अंदर अब लाइट का पाथ विजिबल हो जाएगा. ठीक है, सेम थिंग यू कैन डू इफ यू टेक वॉटर इन अ ग्लास. घर पे भी कर सकते हो. ठीक है, और उसमें डेटॉल थोड़ा सा मिक्स कर लो. डेटॉल डालोगे तो वो डेंस हो जाएगा थोड़ा सा.
उसमें आप लेजर डालोगे तो आपका रिफ्रैक्शन बहुत क्लियरली नजर आएगा, ठीक है? तो यू कैन डू इट होम। हाँ, अब ये दिखनी शुरू हो गई क्योंकि उसके अंदर काफी वो आ गया है ना स्मोक। एक नहीं रहने, नहीं नहीं ये तो ग्लास स्लैब है, सिंपल, ये तो सिंपल ग्लास स्लैब है ना, ये देखो। तो ये देखो अब लाइट का बात क्लियर हो रहा है और ये डिस्प्लेस हो गई। ये अंदर स्मोक क्यों छोड़ी है? वही इसको डेंस करने के लिए। ये देखो गौरव, ये ना धूप, बस बंद करके ले जाना। ये लाइट का पाथ एंड तक दिख रहा है अब आपको, ठीक है? रे जाती दिख रही है। ये देखो अब ये इंसिडेंट रे है और इमरजेंट रे थोड़ी सी हट के इधर को डिस्प्लेस है। नहीं, ठीक है, ये टू टू। हाँ अब देखो इंसिडेंट रे इधर जा रही है, इमरजेंट रे उधर जा रही है। हाँ, और प्रिज्म में से भी देख लो कैसे आएगी, ये आ गई इधर, ये देखो ये है, ये आप, वो कुछ ट्रांसमिशन भी होती है, कुछ रिफ्रैक्शन भी होती है, रिफ्लेक्शन भी होती है। ये लो ले, बच्चे आई सेंड अ वीडियो टू यू वेयर क्लोज व्यू यू कैन सी, यहाँ पे आपको टॉप व्यू नजर नहीं आएगा, ठीक है? तो इसका सिंपली ये था कि जब हमने ग्लास स्लैब के ऊपर लेजर लाइट डाली है तो वो उसी लाइन में इमरजेंट रे वापस नहीं आ रही, ये थोड़ी सी डिस्प्लेस हो गई है, बस डायरेक्शन वही है, बस वो थोड़ी सी हट के डिस्प्लेस हो जाती, दैट्स व्हाई दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेस, ठीक है? चलिए ये होगी रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। नेक्स्ट इज नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मल शिफ्ट भी आपने पढ़ा हुआ है टेंथ में, है ना? नॉर्मल शिफ्ट याद है किसी को क्या होता है? रियल एंड अपेरेंट डेप्थ वाला कॉन्सेप्ट जो था, डू यू रिमेम्बर? नॉर्मल शिफ्ट, ये वाइवा में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वो इसको शिफ्ट को डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं हम। तो हमारे जो एक्सटर्नल थे उन्होंने एक बार ये क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट एंड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो नॉर्मल शिफ्ट मतलब नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल अभी आपने देख ली थी क्या होती है। तो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मल शिफ्ट सिंबल, आपको पता है रिफ्रैक्शन का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? A pencil dipped in water appears to be bent and short at the water surface. आप उसमें पेंसिल डालते हो, वो आपको बेंट और शॉर्ट दिखती है, ठीक है? कल मैं आपको कुछ एक्टिविटीज दिखाऊंगी यहाँ पे और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, राइट? तो और जब एक कॉइन पड़ा होता है एक ग्लास कंटेनर में, कॉइन, वो आपको रेज्ड दिखता है। आप स्विमिंग पूल के बाहर खड़े होते हो, आपको शैलो लगता है, अंदर जाते हो तो आपको पता लगता है कि ये तो बहुत डेप्थ है उसकी, है ना? All these are applications of refraction, effects of refraction of light. तो हम coin वाला example लेते हैं, ये coin पड़ा है. This is your object O. ठीक है? अब इससे बहुत सारी rays बाहर जा रही हैं. One ray which is going perpendicular will not bend at all. Normal incidence के लिए no refraction takes place. For normal incidence, no refraction. Ray will straight away pass. एक और ray ले लेते हैं जो किसी angle पे जा रही है. This is point B, suppose. Draw normal air. It is going from water to air. Denser to rarer medium, it will bend away or toward? Away from the normal. It will bend away from the normal. What we will call this angle? This is angle of refraction. And where is angle of incidence? Ye wala ki ye wala?
दिस वन दोनों दोनों ये भी ऑल्टरनेट एंगल आई है ना। चलो पहले हमने ये देख लिया हमने। अब यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है तो उसको लाइट यहाँ से आती लगेगी, बिकॉज लाइट तो बेंड नहीं कर सकती, वो तो स्ट्रेट लाइन में आएगी। तो अब वो जो कॉइन है वो यहाँ दिखेगा। सो दिस इज इमेज ऑफ द कॉइन आई। हाँ दिस इज इमेज ऑफ, दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज इमेज, ठीक है। नहीं अब देखो रियल डेप्थ क्या है, सरफेस से लेके कॉइन का जो रियल डिस्टेंस था दैट इज रियल डेप्थ। रियली मतलब ये उसकी डेप्थ है, एक्चुअल डेप्थ। अपेरेंट डेप्थ वो है जहां ही हमें दिखाई दे रहा है नहीं है एक्चुअली दिख रहा है, तो दैट इज डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड सरफेस आई ए। तो ये आपकी अपेरेंट डेप्थ है आई ए। Now, distance through which object appears to be raised due to refraction of light, that is called normal shift. So, बताओ फिर क्या हुआ normal shift यहाँ? Distance through which object appears to be raised. हमने कहा rays लग रहा है कोई refraction की वजह से। कितने distance के through rays लग रहा है बताओ? हाँ, that is real depth minus apparent depth. तो ये आपकी normal shift. This much is your normal shift. ये ठीक है। तो नॉर्मल शिफ्ट इज रियल डेप्थ माइनस अपेरेंट डेप्थ। एक्स इज ओ ए माइनस आई ए, ओ ए कॉमन ठीक है। नाउ लेट अस पुट द वैल्यूज इन। एक चीज और, अगर हम स्नेल्स लॉ लगाएं, हाउ कैन वी राइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर? हाँ इसका लिखना है तो साइन आर ओवर साइन आई ओवर। ठीक है, व्हाट इज साइन आर नाउ? अब देखो इफ दिस इज आर, दिस इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आर, एंड इफ दिस इज आई, दिस इज ऑल्टरनेट एंगल आई, है ना। तो लेट अस टेक दिस राइट एंगल ट्राइंगल ए ओ बी फर्स्ट। लेट अस टेक ए ओ बी, लेट अस टेक दिस ट्राइंगल ए ओ बी। सो इन ट्राइंगल ए ओ बी आपका साइन आई कितना है और साइन आर कितना, वो निकाल के यहाँ पे पुट कर देते। सो हाउ कैन यू राइट साइन आई? चलो वरुण बताओ साइन आई कैसे लिखोगे आप? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ए बी ओवर ओ बी, ए बी ओवर इधर, ये साइन आई है। साइन आर कितना हुआ? ए बी ओवर आई बी साइन आर, ये छोटा राइट एंगल ट्राइंगल ए बी ओवर आई बी, ये आई है ना, ए बी ओवर आई, ये है राइट एंगल ए बी ओवर आई बी। सो दैट इज ओ बी ओवर आई बी, ठीक है। एक ही रखी है ये कॉइन है और मैंने उसको थ्री डायमेंशनल बनाया थोड़ा सा, कॉइन है ये, ओ ऑब्जेक्ट है उसको नाम दिया कॉइन, इस पॉइंट का नाम है ओ। विदिशा आप मुझे बताओ कि ये एंगल इसके इक्वल आई, ये एंगल आई कैसे आया? विदिशा ये एंगल आई कैसे आया? हाँ जी विदिशा, आर यू लिसनिंग?